हेलो गाइस वेलकम टू अपकमिंग बैंकर यूट्यूब चैनल सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बैंकिंग अवेयरनेस के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मॉडगेज एंड द प्लीज सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन ताकि आप लोगों को हर एक नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मॉर्गेज मॉर्गेज एंड द प्लीज मॉर्गेज एंड द प्लीज आर द टाइप ऑफ सिक्योरिटी सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सिक्योरिटी जब भी हम बैंक से लोन उठाते हैं तब बैंक हमें कोई चीज़ के बदले में लोन देता है तो जो चीज़ हम बैंक के पास जमा रखते हैं उसको सिक्योरिटीज बोला जाता है सो मॉडगेज एंड प्लीज आर द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ सो फर्स्ट व्हाट इज़ मॉडगेज हम समझते है? मॉडगेज इज़ ए टाइप ऑफ सिक्योरिटी यूजुअली यूज्ड फॉर इमूवेबल एसेट्स इमूवेबल एसेट्स मीन जो एसेट्स चल नहीं सकते लाइक हाउस लैंड एनी बिल्डिंग और एनी प्रॉपर्टी उसके पेपर देके हम बैंक से अगर लोन उठाते हैं तो उस चीज़ को कहते हैं मॉडगेज विच इज़ ए पार्मानेंटली फिक्स्ड टू द अर्थ और अटैच टू द लैंड लाइक like हाउस तो इसको मॉडगेज बोला जाता है और प्लीज होता है अगर कोई चीज़ कोई कॉमनली यूज कॉमोडिटीज़ लाइक गोल्ड एनी स्टॉक एक्सचेंज पेपर स्टॉक्स और एनी मशीनरीज इसको हम अगर बैंक को दे दें और उसके बदले में लोन लें तो उसको बोला जाता है प्लीज ओके समझ में आया तो मॉडगेज बेसिकली है इमूवेबल एसेट्स एंड प्लीज है मूवेबल एसेट्स इट इज वन बेसिक डिफरेंस एनदर डिफरेंस इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी पोजीशन मींस वो किसके पास रहता है मॉडगेज के लिए पोजीशन होता है विथ बोरअर वो बॉडअर के पास ही रहता है और प्लीज में वो बैंक के पास पेपर ए, गोल्ड या स्टॉक्स या कोई मशीनरीज रहता है और मॉडगेज में क्योंकि वो फिक्स टू द अर्थ है तो वो बॉडोर के साथ ही रहता है समझ में आया नंबर थर्ड इज़ द एक्ट अंडर हुईच द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी आर सो फॉर मॉडगेज देयर इज द एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट एटीन एट्टी टू अंडर हुई मॉडगेज इज़ ओके एंड प्लीज इज़ अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एट्टीन सेवेंटी टू प्लीज इस एक्ट में एक्ट के अंदर आता है और मॉडगेज आता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एट्टीन एट्टी टू सो फ्रेंड्स दिस इज़ आर द बेसिक्स डिफरेंस बिटवीन द मॉडगेज एंड प्लीज मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं सरल भाषा से ही आप लोगों को बताया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मॉडगेज और प्लीज अगर किसी को समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और अगर आप लोगों को कुछ अच्छा जानकारी मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे Thank you for watching the video.